निर्धन प्रतिभावान बच्चों के कैरियर निर्माण ही सच्ची सेवा है। जयपुर में गत 13 वर्षों से संचालित निर्धन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सहायतार्थ संस्था सत्यचित पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था के तत्वाधान में गोपालपुर स्थित कच्ची बस्तियों में रह रहे 120 निर्धन जरूरतमंद बच्चों को ठिठुरन भरी सर्दी में उच्च क्वालिटी के कंबल वितरित किए गए। बाल कंबल वितरण समारोह के अंतर्गत आध्यात्मिक प्रवक्ता खगुल कृष्ण भारद्वाज ने जरूरतमंद निर्धन बच्चों को कंबल वितरित करते हुए कहा कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी सेवा है तो वो निर्धन बच्चों की यथासंभव सहायता कर उनके अंधकार से भरे भविष्य में उन्नति के प्रकाश का दिया जलाना है। इसके लिए जितना हो सके तो निर्धन प्रतिभाशाली बच्चों की मदद के लिए आगे आए। संस्था सचिव रीता पाठक ने संस्था द्वारा पिछले वर्ष में किए गए रचनात्मक कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष भी सर्दी से बचाव हेतु 3 चरणों में निर्धन बच्चों की सहायतार्थ कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें ऊनी स्वेटर, ऊनी बाल कंबल शहर भर में यथासंभव बस्तियों में रहे बच्चों को वितरित किए जाएंगे व तीसरे चरण में बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री व छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बाल कंबल वितरण समारोह में विशिष्ट अतिथि समाज सेविका ऋतु गर्ग ने कंबल वितरित करते हुए संस्था द्वारा बच्चों के हित के में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर कमलेश कुमारी, आर के शर्मा, प्रसिद्ध राठी, गुड्डी रानी, समता गुधैनिया आदि उपस्थित थे। अरे तो तुम अपने करवाओ यार, मेरे समझे तो फिर तुम्हारो। हाँ इन्हें आगे ले बेटा, एक आगे ले, पीछे के लिए आगे ला। रिंकू कहाँ गए? रिंकू यहाँ पे किस राजा?